अदम एतमाद की बातें महज अफसाने, आपके साथ ही सियासत करेंगे। चौधरी बरादरान का डटकर कप्तान की हिमायत का ऐलान, ऐसी चाल का क्या फायदा जिसमें कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। शहबाज शरीफ को 14 बरस बाद हमारा ख्याल आया, नून लीग की सदर को बता दिया था इमरान खान को ना हटा सके तो वो पहाड़ पर होंगे और हम जमीन के नीचे धस जाएंगे। मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। सियासत का बदलता मौसम, वज़ीर-ए-आज़म खुद सरगर्म, इमरान खान की लाहौर में चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह आमद, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की, हुकूमती इत्तेहाद से मुतालिक मामलात पर भी तबादला ख्याल, वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुलाकात, अहम अमूर पर ब्रीफिंग। ऑपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां, इमरान खान ने खुद महा संभाल लिया, दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकातों का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म जल्द एमकेएम और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत से मिलेंगे, अरकान पार्लियामेंट से राबते भी तेज, लाहौर में पंजाब के 4 डिविजन्स के अरकान के साथ तवील बैठक। दूसरों को ना घबराने के मशवरे देने वाले अब खुद घबराए हुए हैं। 300-400 अरब के अजाफी कर्जे पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे, रुपया मजीद कमजोर होगा और मुल्क के अंदर हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। वो हुकूमत जो 4 साल अवाम को कुछ ना दे सकी, अपने आखिरी दिनों में अवाम को एक नाम निहाद रिलीफ देने की कोशिश करके चंद वोटें हासिल करने की कोशिश में मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है। दूसरों को ना घबराने के मशवरे देने वाले वज़ीर-ए-आज़म खुद घबरा गए। अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद के ऐलान के बाद इमरान खान ने झूठे वादे शुरू कर दिए। कौम से खिताब, डूबती कश्ती बचाने की नाकाम कोशिश है, शाहिद हकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। दो दिन की मेहनत के नतीजे में कठपुतली चुप किया, पेट्रोल की बिलों में 10 रुपये का कमी किया है, इलेक्ट्रिसिटी की बिल में 5 रुपये का कमी किया है। इमरान, 2 ऑप्शंस हैं, खुद इस्तीफा चले करो, घर चले जाए, अगर हिम्मत है तो मैदान में आए, असेंबली डिसॉल्व करे, फैसला आवाम को करने दे। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का सखर में पड़ाव, वज़ीर-ए-आज़म के पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, इस्तीफा दें और घर जाएं या फिर मैदान में आकर मुकाबला करें, असेंबली तोड़ें और नए इलेक्शन कराएं। पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ के नाम पर कौम को धोखा दिया गया, इस्लामाबाद पहुंचकर हिसाब लेंगे, बिलावल भुट्टो की ललकार। एक बेबी सो रहा है, उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धोलो, ये पूरी सिंध की आवाम जाग गई है, बेबी सो रहा है, सोता रहेगा। उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धोलो, अली जैदी का बिलावल भुट्टो को पैगाम। सिंध के आवाम ने पीपल्स पार्टी को 15 साल बर्दाश्त किया, अब सब्र खत्म हो चुका, तब्दीली का वक्त आ गया, वफाकी वजीर का खैरपुर में खिताब। खिलाड़ी सिंध सरकार के खिलाफ बरसरे पहकार, तहरीक इंसाफ के हुकूक मार्च का 4th रोज, शुरका का लाड़काना से नवाब शाह का सफर, जगह जगह इस्तकबाल, अरकान कौमी असम्बली की 80% तादाद वापस लौट गई, वफाकी वज़रा मौजूद। ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आत्मसाती ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। कामयाब बिजनेसेस हैं, जो कामयाब इंडस्ट्रीज जिन्होंने लगाई हुई हैं, जब वो अपना पैसा लेके आएंगे और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास स्किल्स भी हैं, उनके पास कैपिटल भी है, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए उनको और इंसेंटिव्स चाहिए। तो हमने फिर ये सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए दावत नहीं दे रहे, आज हम ओवरसीज पाकिस्तानी इसको भी पूरा मौका दे रहे हैं कि आप भी अपना पैसा लेके आएँ और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। वज़ीर-ए-आज़म का बड़े इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान, पुरकशिश मराठ से सरमायादार रागिब होते हैं,
जो ऐलान आज किया वो हुकूमत में आते ही कर देना चाहिए था। सनअती तरक्की के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कारोबार की आसानी के लिए छोटे ताजरों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। अब कोई भी झूठा पैकेज आपको घर जाने से नहीं बचा सकता। आपने पहले दिन भी झूठ बोला, आज भी वही कर रहे हैं। सियासी मुखालिफीन और मीडिया का गला घोंटकर कौमें आगे नहीं बढ़ती। मरियम औरंगजेब की तनकीद। स्पीकर से अलग भी हक़ इज्जत का कानून मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से लगा, इन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया, ठीक से मुआवनत नहीं की गई। यहाँ तो कानून नाफिज़ी नाकदीन के खिलाफ किया जाता है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क, तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त यकजा करने का हुक्म। बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली अव्वलीन तरजीह। नौजवान सूबे की सलामती और इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करेंगे। आर्मी चीफ की केज के कबायली अमायदीन, तलबा, वकला और खातीन से गुफ्तगु। सिपा सालार का तुर्बत का दौरा। बलूचिस्तान की सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग। कोरोना के बाद जारी पांचवी लहर मजीद 18 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 861 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद पुलिस वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक जिद्दत की जानिब गामज़न। रवैये में बेहतरी और शफाफ पुलिसिंग के लिए थानों की चेकिंग का नया निज़ाम मुतारिफ। दाखिली दरवाजों पर बॉडी कैमरों के साथ गार्ड तैनात। सेफ सिटी पर लाइव मॉनिटरिंग होगी। क्यूमेटिक मशीनें लगा दी गई। 1715 पर कोई भी शिकायत दर्ज कराने की सहूलत। IG मोहम्मद एहसन यूनस थाना कल्चर में तब्दीली के लिए पुरस्कृत। मुज़ाकरात बेनतीजा। रूस और यूक्रेन जंगबंदी पर मुत्तफिक ना हो सके। आला क़यादत की मुशावरत के बाद वफूद की मुलाकात फिर शेड्यूल। खार्किव में शदीद लड़ाई। यूक्रेनी दारुल हुकूमत का मुहासरा जारी। बमबारी के नतीजे में मजीद 10 हलाकतें। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म का मॉस्को पर नई पाबंदियों का ऐलान। रूस यूक्रेन जंग के असरात। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत में 10 डॉलर फी बैरल इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल के निर्ख 9 डॉलर बढ़ गए। सोना भी 24 डॉलर फी ऑन्स महंगा। PSL के बाद क्रिकेट दीवानों के लिए एक और तोहफा। पाक ऑस्ट्रेलिया मैचेस के लिए 100% शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत। 12 साल से ज्यादा उम्र शहरियों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी। बच्चे भी मैच देख सकेंगे। MCOC का ऐलान। वुमेन वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच। पाकिस्तान ने मेजबान न्यूजीलैंड को हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स का पहला मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से शेड्यूल। ऑलराउंडर आलिया रियाज इवेंट के फातेहाना आगाज के लिए पुरजोश।